जी गौतम सर हमारे साथ हैं कामिनी जी, कामिनी प्रजापत। कामिनी जी वीडियो ऑन करें। जी गौतम सर, अखबार यहाँ थोड़ा होती है, अखबार प्राप्त करने में ओके ओके तो योगेंद्र जी मैं आपका कंप्लीट हो गया है, इट्स ओके, आपको वीडियो सेंड कर देंगे हम। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक जी जी गौतम सर, राजेश सर, गौतम सर आगे। जी सर कामिनी जी हैं हमारे साथ। गुड जी इवनिंग सुन सर। रहे हैं? हाँ गुड इवनिंग। हेलो। यस सर। हाँ कामिनी जी, आप सिरोही को बिलोंग करते हैं? जी सर। आप अभी यू आर बीडीओ, आप ग्राम योजना डेवलपमेंट ऑफिसर हैं? आप यस सर वीडियो कहाँ पर लग रहे हैं आप? सर, अभी उदयपुर जिले की गोविंदा पंचायत समिति में पोस्टेड हूँ। गुड। आपने बीटेक किया है? कहाँ जी सर। से? सर मैंने मेरे सिरोही जिले से किया है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आबू रोड। गुड गुड गुड। अच्छा अभी आप जो है ना इस शानदार जो है ना यूं कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर इधर दूसरी सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में क्यों आना चाह रही हैं आप? सर ग्रामीण विकास मंत्रालय सर्विसेज में मैंने काम करके ग्रामीण स्तर की जो प्रॉब्लम्स है और जो समस्याएं हैं उनको मैंने समझा है, तो मैं इस ज्ञान का सर मैं जो स्टेट सर्विस है वहां पे अच्छे से मैं यूज में ले सकती हूँ। गुड। आपको एक बहुत अच्छी सी बात मैंने आपकी देखी है कि आप बीटेक हैं और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में आपका 80% मार्क्स है। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ तो एक दफा क्या हुआ कि मेरी पोस्टिंग रही थी, मैं सिरोही में थोड़े से टाइम के लिए आपके वहां पर मोस्ट प्रोबली जो है 6 मंथ के लिए, एंड ओके मुझे जो है एक जो है एक्सपीरियंस हुआ था वहां पर कि वहां भारत सरकार के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी आए थे बनर्जी साहब, यस टू सर। थाउजेंड की बात है ये, और वो मेरे साथ 2 दिन रहे थे वहां पर आबू माउंट आबू में, और 1 दिन रहे थे उदयपुर में, 1 या 2 दिन उदयपुर में रहे थे। और मैंने उनको बताया कि आई एम ऑथर, मेरी बुक्स हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मिस्टर गौतम ये बताइए कि भारत में जो है ना पानी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने 3 बार कहा इसको मुझे कि मिस्टर गौतम मैं पानी का काम दे मतलब इन दोनों में वाटर जो है ना वो रिसोर्सेस के बारे में देख रहा हूँ, पर हम दुनिया मतलब दुनिया के बारे में छोड़े हैं लेकिन इंडिया में तो बहुत बड़ी जो है ना सीवियर प्रॉब्लम होने वाली है, पानी की सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सर पानी की सॉल्यूशन की बात करें तो सर इसका ग्रामीण स्तर से इसकी शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो सर लोगों में पानी बचाने की आदत बढ़ानी होगी। उसके बाद में सर जो हमारी योजनाएं हैं जैसे मनरेगा है, इसका उपयोग करके हम सर नाड़ी इत्यादि खोद सकते हैं, गाद निकासी के कार्य कर सकते हैं, और लोग जो भी नए कार्य करें घरों में जो बिल्डिंग्स बनाए उनको तभी एनओसी दी जाए जब वो वाटर हार्वेस्टिंग का जो है एक रिक्वायर पैरामीटर उसको उस मापदंड को खड़ा करने के बाद ही उसे एनओसी दी जाए। और जैसे कि सर बहुत सी नदियां ऐसी है जो कि जिसमें पानी सरप्लस होता है, तो हम उनको जो है जैसे कि हमारी परियोजनाएं चल ही रही है नदी जोड़ो परियोजना इत्यादि, ऐसी परियोजनाएं ला के हम उसके सरप्लस वाटर को उस बेसिन में ले जा सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी है। अच्छा आप ये बताइए कि इन दिनों में जो है हमारी छोटी छोटी इस तरह की आपकी जो ये पानी की जो है ना आपकी योजनाएं बता रहे हो, लेकिन ये तो पानी तो कुछ एरिया में तो पानी बारिश होती नहीं है बहुत ज्यादा, आपके सिरोही में बहुत कम बारिश होती है, उधर जैसलमेर में, जोधपुर की तरफ पौड़ी बाड़मेर में बहुत कम बारिश होती है, तो फिर यहाँ आप जो है ना कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन और ये कैसे करेंगे आप, और उससे कोई फायदा क्या होगा? तो सर खास तौर पे इसके हमारी एक जो ना ब्रॉड प्लानिंग आपके दिमाग में आप ऑफशोर बने मान लीजिए, और डिप्टी सेक्रेटरी आप बनती हैं फिलहाल, इमीडिएटली आपको डिप्टी सेक्रेटरी लगाया जाता है मान लीजिए वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर सप्लाई का मैनेजमेंट देखने के लिए, तो देन आपको एक बहुत एक सारगर्भित या अच्छी सी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप फिर क्या जो ना एक प्रोजेक्ट बना के देंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को? सर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सर एक तो प्लांटेशन जो है वो बहुत बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बारिश के लिए वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा सर हम जो है छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं। सर आजकल जैसे कि सोक पिट भी बनाते हैं, तो सोक पिट बनाने से जो सर जो पानी जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सीधा जमीन के अंदर चला जाता है, तो उससे जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाता है, तो ये सब सर हम कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ये पानी का जो और भी हम कहीं से जो है इसकी इंदिरा गांधी के कैनाल का और इनका पानी का सप्लाई का और डाइवर्ट कर सकते हैं क्या और थोड़ा बहुत? और बिल्कुल सर, इसमें सर लिफ्ट नहर इत्यादि निकाल के हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की कमी है। अच्छा, एक ओजोन लेयर के बारे में सुना है आपने? आप साइंस के स्टूडेंट है जी सर। क्या है ये सर? ओजोन लेयर वायुमंडल में एक परत है जो कि हमें पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब लेकिन इसमें कहीं सुना है कि बहुत बड़ा जो ना वो हो गया है, होलो हो गई है, धीरे धीरे जो ना डैमेज होती जा रही है, तो उसका कारण क्या है? सर बिल्कुल सर, ये डैमेज होती जा रही है और इसके कारण है कि एक तो सर जो CFC इत्यादि जो प्रोडक्ट है जो कि हम शीतलन के कार्य शीतलक प्रोडक्ट उत्पादों में हम यूज करते हैं, इसकी वजह से सर ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, तो इस वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है। अच्छा, आप बढ़ते प्रदूषण को किस तरह से रोकना चाहेंगे फिर? सर प्रदूषण अगर रोकना चाहते हैं तो सर हमको ऐसी चीजों की तरफ स्विच करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण फ्रेंडली हो, जैसे कि सर जो व्हीकल है उससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो हम ई व्हीकल की तरफ स्विच हो सकते हैं। उसके अलावा सर प्लांटेशन को बढ़ाना होगा और ऐसी चीजें जैसे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो और उसके एक सप्लीमेंट के रूप में उसकी ऐसी चीजें रिप्लेस करनी होगी जो कि पर्यावरण फ्रेंडली हो। अभी भारत सरकार ने प्रदूषण के रोकने के लिए कुछ एक उपाय किया है, जिसमें जो है ना क्या शामिल है वो आपको ध्यान है क्या? कुछ थोड़े दिनों पहले की बात है, बजट के बाद में जो है ना कुछ जो है ना हुआ है घोषणाएं। सर फेम इंडिया स्कीम है, फेम इंडिया। नहीं, स्क्रैप बनाने की भी कुछ योजना थी क्या? यस सर, स्क्रैप पॉलिसी आई है सर। क्या आई है उसमें? सर स्क्रैप पॉलिसी जो है ये वाहनों से संबंधित है, तो गवर्नमेंट ने इस योजना के थ्रू ऐसी लोगों के लिए एक उनको उनको ये चीज बताई है कि अगर आपके जो कमर्शियल वाहन है वो यदि 20 साल से पुराने हैं और आपके पर्सनल वाहन जो कि 15 साल से पुराने हैं, यदि आप उनको उसकी जांच करवा के और यदि वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो अगर आप उनको वापस गवर्नमेंट को स्क्रैप करने के लिए देते हैं तो आपको 5-6% तो उसमें लाभ मिलेगा, और उसके अलावा अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा 25-30 हजार। गुड गुड। अच्छा, आप जैसी होनहार जो है ना स्टूडेंट को, एक आपको लक्ष्य आपके पास रहता है, मान लीजिए कि भारत में बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ते हुए व्हीकल है, एग्रीकल्चर लैंड की जो है ना रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और वो जो है ना एरिया घट रहा है, हाउसेस की प्रॉब्लम है, हाउसेस के लिए आपको जो है जमीन ज्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड के ज्यादा चाहिए, बढ़ती आबादी है उसके लिए जो है ना मतलब जो है ना एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए और उधर व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे जिससे कि ये सब पर धीरे धीरे नियंत्रण लगे, नियंत्रण स्थापित हो सके? भारत सरकार को या राजस्थान सरकार को क्या प्रस्तावित करेंगे आप? सर बढ़ती आबादी जो है इसको रोकने के लिए सर लोगों में मन से एक जागरूकता लानी होगी, वो मन से सर इस चीज के लिए रेडी हो, तो इसके लिए हमको अवेयरनेस फैलानी होगी और हम जो है उन्हें और भी जैसे कि बता सकते कि आप अगर जितना छोटा परिवार होगा तो आप कितना अच्छे से उस अपने परिवार जो फैमिली है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। उसके अलावा सर जैसे कि भगवान गवर्नमेंट जो है नसबंदी इत्यादि करवाने के लिए जो लाभ दे रही है उनके बारे में भी हम बता सकते हैं, जैसे कि पुरुष नसबंदी पे 2000 रुपये, महिला नसबंदी पे 1500 रुपये, ये सारी स्कीम्स हम लोगों को बताएं और उनको जागरूक करें तो इससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है धीरे धीरे। दिल्ली में कोरोना रोकने की क्या उपाय किए गए हैं अभी आजकल में? सर दिल्ली में कोरोना रोकने के लिए 3T पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें ट्रीट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट, तो और उसके अलावा सर यहाँ वहाँ पे जो है टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ाई जा रही है, और ऐसे लोग जो कि कोरोना संक्रमित है तो उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और 25-30 लोग एटलीस्ट जो है उनकी ट्रेसिंग की जाए, और अगर वो संक्रमित है तो उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है, और उसके अलावा वैक्सीन जो है उस अधिकांश अधिकतम लोगों को लग गई, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गुड गुड गुड। मेट्रो शहरों में क्यों बढ़ रहा है लेकिन ये कोरोना? बार बार जो ना हम सुनते आ रहे हैं कि मेट्रो शहरों में ज्यादा है, मुंबई में है, दिल्ली में है, ये उधर जो है तमिलनाडु में है, उसका कारण क्या है?
सर इसका कारण ये है कि जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे दूसरे स्टेट से लोग अपनी रोजगार आजीविका के लिए काफी जाते हैं, तो जितनी ज्यादा लोगों का आवागमन होगा, जितने ज्यादा लोग कांटेक्ट में आएंगे उतने ज्यादा कोरोना फैलेगा, और वहाँ पे सर भीड़ भाड़ भी ज्यादा है तो लोग कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं और रूल्स रेगुलेशंस को भी नहीं फॉलो कर रहे, ये सब कारण है। चलिए आपको किसी शहर में एसडीएम लगा दिया जाता है और आपको वहां पर कोरोना फैलते हुए कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन करना पड़ा, आपको अधिकार दे दिए कि सरकार ने कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आप लॉकडाउन करेंगे, फिर आप वहां पर जो है ना ग्रोसरी की सप्लाई किस तरह करेंगे लोगों में? सर लॉकडाउन करने के बाद में सबसे पहले तो सर मैं जो भी 5-6 दुकानें होगी मैं उनको नोटिफाई करूंगी कि आपको नोटिफाई किया जाता है कोरोना के समय सप्लाई के लिए, और उनका मैं टाइमिंग फिक्स करूंगी और जिम्मेदारी है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, हेलो, यस सर, अगर वो आपने लॉकडाउन है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया कि आप बाहर नहीं निकल सकते आपके घर से, आपको जो है ना ग्रोसरी की लोगों को जो यूटेंशियल है रोजाना की रोजमर्रा की सब्जी है दालें वो आपको सप्लाई करनी है, कैसे करेंगे आप? सर इसके लिए मैं सर जो ग्रामीण वर्कर्स हैं उनकी हेल्प ले सकती हूँ, जिसमें कि सरकारी कार्यकर्ता है और पटवारी है, एनएम है और ग्राम विकास अधिकारी है, पंचायत सहायक के, इन सबकी मैं हेल्प ली हूँ और इन्हें मैं वॉलंटियरिंग सर्विस में नहीं, इसमें आप एक पॉइंट भूल रहे हैं, चलिए हम लोग रिव्यू करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, एक दो पॉइंट और है आपसे, आपके जो है ना आप हेलो यू आर हियरिंग मी, हेलो सर वो ऐड हो रही है, सर शुरुआत में तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि टीचर बनना, फिर बाद में सर जब मैं कॉलेज में थी तो वो मुझे कहते थे कि तहसीलदार बनना, और अभी वो चाहते हैं कि मैं आरएस ऑफिसर बनूं। आपके फादर क्या करते हैं? सर वो पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गुड गुड, आपकी जिंदगी में आपके फादर का ज्यादा प्रभाव रहा है या मदर का? सर वैसे तो मेरे लाइफ में मम्मी और पापा दोनों का ही प्रभाव रहा है, क्योंकि सर मेरे पापा की जो उनकी जो मैं जो स्टोरी सुनती हूँ तो वो ग्राउंड लेवल से उन्होंने अपने आप को उठाया है, और मम्मी जो है सर उन्होंने वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, और जब वो ओवर एज होने की कगार पे थे लगभग 30-35 साल की उम्र में उन्होंने ये स्टेप लिया कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी, उन्होंने तैयारी की और वो सफल भी हुई, तो मेरे लिए दोनों ही प्रेरणा स्रोत हैं। गुड गुड गुड, अच्छा एक बात बताइए कि आप जैसे टैलेंटेड जो ना स्टूडेंट्स अगर ये जीवन में आपके इस सेवा के अलावा और क्या करना चाहेंगे आप कि मुझे और ये भी करना है अदर देन दिस जन सर्विसेज में, तो आप जनरली गवर्नमेंट के जो ना डायरेक्शंस के आप अलावा काम कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अदर देन दिस वर्क क्या करना चाहेंगे आप, क्या अच्छा काम करेंगे देश के लिए आप? सर मैं जो मैं चाहती हूँ कि सर मैं किसी अनाथ बच्चे को सर मैं गोद लूँ, ये सर मेरा इच्छा है, और मैं सर उसको स्पॉन्सर करूँ और उसकी पूरी जो पढ़ाई है वो मैं अपने खर्चे पे उठाऊँ और उसे एक अच्छा नागरिक बनाऊँ। गुड गुड गुड, चलिए बहुत अच्छा जी। कामिनी जी आपसे आपका रिव्यू कर लेते हैं, ग्रामीण विकास में आपका एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छा बताया, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि बनर्जी साहब वहाँ आए थे भारत सरकार के और वो उनको एक्चुअली वो देखना था माउंट आबू को विजिट करना था और जो है वहाँ उदयपुर को विजिट करना था, हम लोग 2 दिन या 3 दिन साथ में रहे थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे उनके साथ भेजा था, तो हम लोगों ने डिस्कशन में वो बनर्जी साहब ने हम लोग मेरे से कहा
कि मिस्टर गौतम बार बार तीन बार चार बार ये हम लोग पूरे जो है माउंट आबू से उदयपुर जा रहे थे, तब उन्होंने डिस्कशन में ये कहा कि किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो दो हमारे हमारी दिमाग में दो सॉल्यूशन आए थे। एक तो यह है कि इनको नदियों को जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जो है ना पानी बचाव कर भी लेंगे ना, तब भी इतनी पानी की हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए पानी का उतना इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे। जो बढ़ती हुई डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए कि अलवर में, इधर के जैसलमेर में, सब जगह पानी का जो है ना लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो उसको उन्होंने जो है ना, ये हम डिस्कशन में ये पॉइंट निकला था कि एक तो जो है ना इसको जो है नदियों को जोड़ना ही पड़ेगा आगे जाकर। दूसरा एक सॉल्यूशन ये निकला था कि चाहे थोड़ा महंगा पड़ेगा हम लोग, लेकिन इसको आगे जो है ना फिल्टर जो है ना उसके जो है ना आपके ओशन का जो पानी है, समुद्रों का पानी है, उसको फिल्टर करके हम जो है ना चारों तरफ से जो है इंडिया में जो है एक जो है कैनाल के टाइप डेवलप करके कुछ जगह फिल्टर प्लांट लगा बड़े बड़े इसको इंडिया में पहुंचाएंगे। ऐसी भी योजना उनके उन्होंने जो है डिस्कशन में हम लोगों ने ये चर्चा में उन्होंने मुझे बताया था। एक क्वेश्चन आपसे किया था कि ओजोन का आपने सही जवाब दिया था, बढ़ते प्रदूषण के बारे में एक बात जो है आप भूल गए कि बढ़ते प्रदूषण में अगर आप जो है ये वो व्हीकल की बात जो है भारत सरकार ने जो अभी किया है तो उसमें स्क्रैप बना देंगे तो उसमें 5% का आपने फिर लेकिन उसको सही टेकअप कर लिया था बाद में। अच्छा, एक आपने बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए व्हीकल, एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट और हाउसेस की प्रॉब्लम को देखते हुए आपने इसमें सबसे ज्यादा जो है जोर देना पड़ेगा आपको आबादी रोकने के, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि ये 2000 रुपीज या 5000-3000 रुपए का कोई माने नहीं रखता, इसको स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ न कुछ इसमें प्रस्तावित आपको, जैसे आप भारत राजस्थान सरकार में ही अगर हैं इसको आबादी रोकने के लिए आपको इसी तरह के मंत्रालय में आपको भेज दिया जाता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई इस तरह से हम इसको बहुत अच्छी तरह एक प्रस्ताव आपको बनाना पड़ेगा। इसके कोरोना में आपने जो है दिल्ली के बात में सही बताई थी, मेट्रो शहरों में जो है इसको बढ़ने के क्या कारण, आपने उसका जवाब सही दिया था। लॉकडाउन के टाइम में आपने एक जो है पॉइंट अभी इन दिनों में हमने जो है महसूस किया था कि यहाँ के कुछ कलेक्टर्स ने इसको जो है ना ऐसी सप्लाई की नहीं की थी कि अगर आप जैसे आपका लॉकडाउन लग गया और ग्रोसरी स्टोर सब बंद है तो आप मार्केटिंग्स के आपके एरिया में मार्केटिंग्स हैं, आपके एरिया में उपभोक्ता भंडार हैं, उन लोगों को आप जो है ना ये काम सौंपेंगे और आपकी टीम लगाएंगे, आपकी खुद की कलेक्ट्रेट की या SDM ऑफिस की टीम लगाकर उनके साथ 24 आवर्स या 12 आवर्स के लिए ग्रोसरी के जो है व्हीकल्स में डालकर उनका और उनको डे टू डे या मतलब डोर टू डोर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब तो इस तरह की पॉजिटिव सोच आपको कहीं बाई दफा पूछा जाए तो आप याद रखना है ना। आपने जो है ना आपके फादर के बारे में आपने बताया कि वो इस तरह से जो है ना डेवलप हुए थे, आपके फादर मदर का बहुत प्रभाव आपने बताया था। आपने जीवन में जो है एक बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है कि गरीब लोग बच्चों को आप जो है उसको अडॉप्ट करेंगे और उसकी जो है ना वो करेंगे, उसको परवरिश करेंगे और उनको एजुकेशन दिलाएंगे। आपका मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, आई विश फॉर द बेस्ट एंड कामनी जी आप डेफिनेटली बहुत अच्छी जो है आगे आपका जो है ना स्कोप खुला हुआ है। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। जी राजेश जी, कामिनी जी, कामिनी जी सुन रहे हैं? यस सर। गुड इवनिंग, सिरोही जिले से हैं आप? जी सर। तो मुझे ये बताइए सिरोही नगर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? सर सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में सहस्त्रमल ने की थी। चलिए, तो सिरोही नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे कोई स्टोरी है क्या? सर चूंकि सर ये सिरवणा पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है और पहले जो है इसका नाम शिवपुरी था, बाद में अपभ्रंश होके उसका नाम सिरोही हो गया। अच्छा, ये बताइए जो गरासिया है, गरासिया जनजाति वहां पर, उनकी फाग होती है, गरासियों की फाग, ये क्या होती है गरासियों की फाग? गरासियों की सर फाग, फाग फाग जी, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी कोई बात नहीं। एक नृत्य किया जाता है गरासियों द्वारा,
उस नृत्य का नाम बता सकते हैं आप? जी सर, ग्रासिया के द्वारा बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, जैसे वालर, लूर, कूद, जाफरा। अच्छा, एक जवारा नृत्य और सुना है? जवारा नृत्य, यस। वेरी गुड। आप ये बताइए, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? सर, श्री गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ये जो सिरोही है, इसका विलय राजस्थान में कब किया गया था? सर, सिरोही का विलय दो पार्ट में हुआ था सर। छठे चरण में तो आबू देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था। फिर सातवें चरण में 1 नवंबर 1956 में आबू देलवाड़ा का भी राजस्थान में विलय हो गया था। ये जो छठा चरण आप बता रहे हैं, इसका समय पता है आपको? जी सर, 26 जनवरी 1950। श्योर है? जी सर। चलिए, आपके सिरोही जिले से एक इतिहासकार हुए हैं जो राजस्थान के इतिहास में इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या नाम है उनका? पंडित गौरीशंकर हीराचंद सोजा। अच्छा, इनका जन्म सिरोही में कहाँ पर हुआ था? सर, सिरोही में रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल। आपके जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है, जी सर, उनके बारे में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि ये ताजमहल के बाद भारत की सबसे सुंदर इमारत है, कथन किसका है? सर, ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। अच्छा, तो देलवाड़ा में आपने कभी भ्रमण किया है, गए घूमने? सर जी, सर कितने मंदिर है वहाँ पर? कितने मंदिर हैं वहाँ? टोटल 6 मंदिर है सर। 6 है या 5? सर 6 है, 5 श्वेतांबर 1 दिगंबर। अच्छा, चलिए, ये जो 5 मंदिर है उनके नाम बता सकते हैं आप? जी सर। सर, विमल वसई, लून वसई, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पितलहर मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर। अच्छा, आपके वहां पर एक संप सभा की स्थापना हुई थी, संप सभा? जी सर। क्या जानते हैं संप सभा के बारे में? सर, संप सभा की स्थापना श्री गोविंद गिरी द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो आदिवासी भील आदिवासी थे उनके बीच में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए की गई थी। अच्छा, एक आपके वहां मंदिर है बाजना गणेश। जी सर। नाम सुना आपने? यस सर। इसको बाजना गणेश क्यों कहा जाता है? सर, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक झरना है, तो उस झरने से काफी आवाज आती है, इसलिए उसे बाजना गणेश कहते हैं। आपके जो आबू क्षेत्र है उसको हिंदू ओलंपस कहा जाता है, हिंदू ओलंपस, नाम सुना है कभी? जी सर। क्यों कहा जाता है हिंदू ओलंपस? सर, इस बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा नहीं की, मैं वापस देखूंगी इस बारे में। वेरी गुड। एक आपके दुरसा आढ़ा नाम के कोई कवि हुए हैं क्या राजस्थान में? जी सर। दुरसा आढ़ा का इससे सिरोही से संबंध रहा है क्या? माफी चाहती हूँ, जानकारी नहीं इस बारे में। चलिए, दुरसा आढ़ा के बारे में और क्या जानते हैं आप, वो बता दीजिए। सर, दुरसा आढ़ा जो थे उन्होंने वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ था उसे 5वां वेद और नंबर याद नहीं सर, कुछ पुराण का कुछ है, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, ये अकबर के दरबारी कवि थे। जी सर। यस सर। और इन्होंने जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ था तो एक कथन कहा था कि भाई अकबर को बड़ा ऐसे दुख हुआ, ठीक है, और इन्होंने बहुत वीर रस की रचनाएं लिखी जिसमें ये कहा कि अकबर जब सोता है रात को तब भी उसको नींद में भी ये भय रहता है कि जैसे महाराणा प्रताप उसका वध करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा था। और दूसरी चीज ये लिखी थी कि जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ था तो अकबर की आंखों में आंसू आ गए, ये भी इनके द्वारा ही बताया गया था। तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। एक आपके आबू क्षेत्र है, आबू नाम कैसे पड़ा ये बता सकते हैं आप? सर, आबू जो है सर एक सांप था, उसके नाम पे सर आबू पर्वत नाम पड़ा है। सांप था? जी सर। मैंने कुछ और पढ़ा है, अर्बुदा देवी के नाम पर।
जी सर, अर्बुदा देवी के नाम सर, इसमें सर दो स्टोरी है सर, ये सांप वाली भी स्टोरी है। अच्छा चलिए, अर्बुदा देवी का मंदिर है वहां पर, तो अर्बुदा शब्द का अर्थ बता सकती हैं आप, क्या होता है अर्बुदा? सर भूमि से प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम अर्बुदा रखा गया है। वेरी गुड, अर्बुदा। एक आपके ज्योग्राफी में एक चीज आती है राजस्थान के ज्योग्राफी में, कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसका शुरुआत कहते हैं कि सिरोही में खेड़ ब्रह्मा, yes, खेड़ ब्रह्मा से मानी जाती है, क्या सच है ये बात? जी सर मैंने भी यही पढ़ा है। आप सिरोही से हैं, पढ़ा तो आपने जो भी है ठीक है, लेकिन आप सिरोही से हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या खेड़ ब्रह्मा सिरोही में? नहीं सर, खेड़ ब्रह्मा गुजरात में आता है। तो फिर ये बुक्स में जो है गलत पढ़ाया जाता है, तो इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि खेड़ ब्रह्मा है ये राजस्थान में या सिरोही में नहीं होकर गुजरात में है, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। आपको अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। ये गरासियों की जो फाग है ये आबू क्षेत्र में होली खेली जाती है गरासियों द्वारा, उसको गरासियों की फाग कहा जाता है, और उस वक्त वो जवारा नृत्य करते हैं। जवारा, जी सर, जवारा नृत्य करते हैं। एक आप विलय बता रहे हैं, तो मैंने इसका 49 पढ़ा है, विलय सिरोही का विलय 49 में, आप एक बार देखिए इसको, ठीक है? विलय को देखिए, हिंदू ओलंपस, इसके पीछे यही कारण है कि ये जो पर्वत है देवताओं का पर्वत कहलाता है हिंदू ओलंपस, वहां पर दत्तात्रेय ऋषि का है, वशिष्ठ ऋषि का है, और ये बोलते हैं कि आपके बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर, देवभूमि कहा जाता है, ठीक है? देवताओं के पर्वत के रूप में इसको हिंदू ओलंपस कहा है। आपके जो कर्नल जेम्स टॉड थे, दुर्साडा के बारे में मैंने बता ही दिया कि उनकी मूर्ति है वहां पर, जो अचलगढ़ दुर्ग है ना वहां पर, हाँ वहां इनकी मूर्ति है, और अकबर से इनका जो दरबारी कवि थे वो मैंने बता ही दिया आपको, और अर्बुद शब्द आपने बिल्कुल ठीक बताया, भूमि से उत्पन्न जो देवी है, बाकी आपके अधिकतर आंसर ठीक थे, अच्छी जानकारी है। बाजना गणेश हुआ, ठीक है, और भीलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, वैसे बुक्स में 5 ही बताए जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल वहाँ के लोकल हैं आप, कुछ है आपको पता है, ठीक है? और भीलवाड़ा के जैन मंदिरों को सबसे सुंदर इमारत ताजमहल के बाद कहा, ये भी आपको पता, बहुत अच्छी जानकारी है। एक आप इसका ये देख लीजिए, भीलवाड़ा के जैन मंदिर में इसकी जो शैली है, शैली कौन सी शैली में बनाया गया है या कौन सी कला का उदाहरण है, तो ये मैं बता देता हूँ। सोलंकी जो राजपूत थे उन्होंने इनके कला का वहां पर प्रभाव है, और नागर या मारू गुज्जर स्थापत्य शैली में ये बना हुआ, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। बाकी आपको राजस्थान के गांधी है, विलय है, संप सभा, और इसका सिरोही नाम कैसे पड़ा, गौरी शंकर जी के बारे में, तो ये कुछ जानकारियां अच्छी थी आपको, लेकिन आप उत्तरोत्तर अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहे, जैसे अंग्रेजों के समय आबू क्षेत्र क्यों इतना प्रभाव में था, क्या कब वहां पर AGG का ऑफिस स्थापित किया गया, कार्यालय, ठीक है? तो ये थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लें आप, बाकी अच्छा है आपका मॉक इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा, आत्मविश्वास के साथ आप उत्तर देते हैं, ठीक है? ये छोटी मोटी जो कमियां हैं इनको दूर करिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी अलका जी, कामिनी जी, गुड इवनिंग कामिनी जी। एक डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन है कि CAG भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, CAG भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, इस बारे में आपने कुछ पढ़ा है? जी सर, CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका उल्लेख जो है हम संविधान, सर अभी अनुच्छेद याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका मुख्य कार्य जो है जो हमारे देश का जितना भी लेखा होता है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की इनकम है, उसका लेखा का लेखा नियंत्रण करना, उसमें सर वो इंटरनल ऑडिटिंग भी करते हैं इत्यादि, सर इनकम ऑडिटिंग। कौन है वर्तमान में, कौन है वर्तमान में, कौन है? सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। लगाइए। सर मिस्टर वेणुगोपाल। ना ना, वो तो जा चुके हैं, हिंट दे रहा हूँ आपको, कश्मीर से लाया गया।
यस सर, मिस्टर गिरीश मुर्मू। राइट। अच्छा, ये क्या थे कश्मीर में पहले? सर ये कश्मीर के उपराज्यपाल थे। गुड। आप बता सकते हैं कि इनको कश्मीर से लाने के बाद में वहाँ उपराज्यपाल कौन है? सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही, माफी चाहती हूँ। ओके ओके। अच्छा, ये 2 अप्रैल है आज। जी सर। आज का एक दिन महत्वपूर्ण है जो किसी डिसऑर्डर बीमारी से संबंधित है। सॉरी सर, आइडिया नहीं है इस बारे में। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, गांधी नहर काफी चर्चा में है आज के पेपर में। जी सर। इंदिरा गांधी नहर। जी सर, यस सर। काफी पेपर में चर्चा में रही है, कारण बताएं। सर इसका कारण है कि इंदिरा गांधी नहर का जो कुछ एरिया है उसको उसकी मरम्मत की जाएगी। ओके, कितने किलोमीटर? सर किलोमीटर एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। ओके। अच्छा, राजस्थान को कितना पानी मिलता है इससे? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। ओके, कब बनी थी नहर? नो आइडिया सर, सॉरी। ओके ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे भी पूछ लेता हूँ जो पिछले प्रत्याशी से पूछा था। एक व्यक्ति बेयर ग्रिल्स। यस सर। बेयर ग्रिल्स। यस सर। कौन है? सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर संभवतया ये सर जो डिस्कवरी चैनल पे आते हैं, बेयर ग्रिल्स। ओके, राइट। और सर ये मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, अभी बताएं कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है? सर 5 राज्यों में चुनाव है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ओके। जो पंचायती राज चुनाव है वो कौन करवाता है? सर ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद है इसका? सर 243 I। यस सर। I फॉर इनकम, मतलब इसमें तो वित्त आयोग होता है। सॉरी सर 243 Y। Y भी नहीं है, थोड़ा एक अनुमान और करिए। सर अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, माफी चाहती हूँ। याद रखें वो 243 K। यस सर, K। कैसे आप याद रखेंगे? कैडा चुनाव हमारे यहाँ होता है, उसने कैडा मारवाड़ी में, इसको आप याद रखें। चुनाव आयोग तो राज्य निर्वाचन आयोग है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन है अभी राजस्थान में? मिस्टर प्रेम सिंह मेहरा। राइट। अच्छा, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। जी सर। बता पाएंगे आप कौन है? सर नाम भी याद नहीं है, माफी चाहती हूँ। अच्छा, डिफरेंस क्या है राज्य निर्वाचन अधिकारी में और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष में? सर राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति संविधान के जो संविधानिक तौर पे की जाती है, और इनका सर एक फिक्स कार्यकाल होता है। और जो ये जो राज्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं ये मुख्यतः सर ये IAS अधिकारी होते हैं। ओके। अच्छा, इन दोनों में से जो केंद्रीय निर्वाचन सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन संभव क्या सर राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है केंद्र निर्वाचन अधिकारी के आयोग के प्रतिनिधि है। राइट। नाम आपको याद नहीं है अभी इनका? नहीं सर, अभी नाम याद नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चुनाव कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सर 3 जगह हो रहे हैं। बताइए। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़। सहाड़ा कहाँ है? सहाड़ा सर सॉरी सर ध्यान नहीं है। ओके, ठीक है, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। सहाड़ा भीलवाड़ा में है, सुजानगढ़ चूरू में है और राजसमंद में है। 3 जगह चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है भारतीय स्तर पर। विधानसभाओं के लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, इसके अनुच्छेद ध्यान रखें। और वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त है ये आपको जानकारी में होना चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग के भी अधिकारियों की जानकारी आप रखें, कम से कम मुख्य अधिकारी की। तो
नहर जो है वो अभी 60 दिन के लिए बंद रखी जाएगी पहली बार। यस सर। 61 साल के इतिहास में पहली बार इसको बंद रखा जा रहा मरम्मत के लिए, और इससे राजस्थान को मिलता है 15,000 क्यूसेक पानी मिलता है प्रतिवर्ष। ओके सर। क्षतिग्रस्त होने के कारण 4,000 क्यूसेक पानी बह जाता है, तो अब रिपेयर किया जाएगा, इसकी लाइनिंग को रिपेयर किया जाएगा, लाइनिंग मतलब दोनों तरफ की दीवारों को रिपेयर किया जाएगा, और प्रतिवर्ष बरसात में लगभग 1,00,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जाता है। तो पाकिस्तान कई बार आरोप लगाता है कि भारत जानबूझ के हमारे करता है, और इसके पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक समझौता भी है राजस्थान पंजाब और केंद्र सरकार में। उसको आज के न्यूज़पेपर की घटनाएं हैं, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे है, वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये आज इस दिवस को मनाया जा रहा है, और ये बातचीत और सामाजिक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जिसमें कमसुम रहता है, जिद्दी होता है, या पंजे के बल चलता है, या अन्य लोगों से मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, अकेले अकेले रहता है, इस तरह की समस्याएं उसको पैदा। और CAG को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अम्बेडकर ने बताया था, और इसका कारण है कि CAG की जो एक ताजा रिपोर्ट है अभी हाल ही में आई है, उसमें एक राज्य के बारे में कहा गया है कि 100% विद्युतीकरण का उसने दावा किया है जब 100% नहीं हुआ है। तो CAG ने भ्रष्टाचार की पोल खोली है और ठेकों में भ्रष्टाचार बताया अत्यधिक मात्रा में। इस प्रकार ये जो भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाला निकाय है CAG, संवैधानिक दायित्व और अनुच्छेद को जरूर याद करें आप। और राजस्थान में जो CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो आपने राइट बताया, जो कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें तो आज का आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो कम से कम जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उसके 3 दिन का आपको पत्रिका भास्कर और नवज्योति और हो सके तो राष्ट्रीय जागरण, ये 4 पेपर जरूर पढ़े, क्योंकि ये पेपर इनके हाथ में रहते हैं बोर्ड के। और दूसरा थोड़े करंट इश्यू के जो मुद्दे हैं उनको भी तैयार करें, ओवरऑल आपका तो बेहतर है, काफी अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, शब्द चयन अच्छा है, और थोड़ी गंभीरता है आपके फेस पे, तो थोड़ा कहीं कहीं हल्का सा स्माइल भी रखें तो माहौल को थोड़ा पॉजिटिव। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।